हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रुचिन चौधरी आलन सालुन के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने, आज का टॉपिक मोल है अनमोल। तो मोल के पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है बच्चों के मन में कि मोल करना कैसे, मोल सॉल्व कैसे होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में प्रॉब्लम है बेटा। किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने के लिए हमको नींव अच्छी बनानी है, तो नींव को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक टर्म को समझना पड़ेगा। तो बेसिक टर्म कौन कौन सी होती है, तो बेसिक टर्म की तरफ चलते हैं हम लोग आज। तो बेसिक टर्म हमारे पास कौन कौन सी है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। पहले इन दोनों टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर है क्या, एटॉमिक मास है क्या। लेट अस कंसीडर, हमारे पास कोई एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, कोई एक एलिमेंट है एक्स। यहां पे हम लोगों ने लिखा जेड, यहां पे लिखा हम लोगों ने ए। यहां पे जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। Z रिप्रेजेंट करेगा अपने को एटॉमिक नंबर। अब आप लोगों ने देखा होगा बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर, आपने बोर थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस हमारा। अब न्यूक्लियस के आउटर शेल में कौन घूमता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। यहाँ पे कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि एटॉमिक जो नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिनोट करता है बेटा। रीजन क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिनोट नहीं करता है, उसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, जो एटॉमिक नंबर है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। और हमारा जो एटॉमिक मास है वो किस पे डिपेंड करेगा, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी हमारे पास कि हमारे पास जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एटॉमिक मास। तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन क्या जनरेट हुआ कि द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंसीडर्ड टू बी एज एटॉमिक मास, वेयर एज द जेड इज रिप्रेजेंटेड एज एटॉमिक नंबर। जेड इज कंसीडर्ड टू बी एज एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है बेटा, बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन लॉस भी होते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसकी प्रॉब्लम आएगी उसके चार्ज के ऊपर। तो हम चार्ज के ऊपर भी कंसेप्ट बात करेंगे मोल के अंदर। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा अंदर। हम लोगों ने एटॉमिक नंबर देख लिया, एटॉमिक मास लेने के लिए हमने क्या यूनिट किया, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या वैल्यू लिया, यहाँ पे देखो जरा, एटॉमिक मास के लिए जो हमने यूनिट लिया उस यूनिट को बोला हमने यू, ठीक है। अब यू बोला, यू मतलब हमारे पास क्या, यू भी बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं उसको, ए एम यू। यू मतलब क्या हो गया हमारे पास, यूनिफाइड मास, और ए एम यू का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। यू का मतलब क्या हो गया बेटा, यूनिफाइड मास, और ए एम यू का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहां पे एक और चीज देखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ा मोर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप मान लो दुकान में जाओ, दुकान में जाने के बाद अगर दुकानदार को बोलो कि मुझे 10 किलो चावल चाहिए, क्या चाहिए बेटा, 10 केजी ऑफ राइस, ठीक है। अब वो तो आपको 10 केजी तोलेगा, आप लेके आ जाओगे घर पे और उसका यूज कर लोगे, ठीक है। ना तो आपने कैलकुलेट किया ना तो उसने कैलकुलेट किया। तो हमारे पास क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गया, कौन सा, केजी, 10 केजी। तो जो केजी का जो यूनिट बना है वो क्या बन गया, एक कॉन्स्टेंट टर्म बन गया कि हाँ यार उसने 10 केजी दिया, मैंने 10 केजी लेके आया। अगर आप दुकान वाले के पास जाओ, उसको बोलो कि नहीं मुझे 50,000 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 50,000 यूनिट ऑफ राइस दे दो, तो ये कोई तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ। अब 50,000 वो काउंट करेगा, 1, 2, 3, वो तो चप्पल लेके आपकी तरफ आएगा कि अभी बताता तेरे को एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट हम एटम्स के टर्म्स में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो निकालने के लिए पहले क्या किया गया था, पहले हम लोगों ने कार्बन के साथ किया है ना, कार्बन के साथ जो किया, फिर हाइड्रोजन के साथ किया, फिर ऑक्सीजन के साथ किया। सबसे पहला एलिमेंट जो हमने चूज किया, हाइड्रोजन चूज किया, क्यों, उसका एटॉमिक नंबर था 1। बट हाइड्रोजन के साथ जब हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया तो बहुत ज्यादा वो रैशनल फॉर्म में आने लगा, मतलब P/Q फॉर्म में आउटपुट देने लगा, तो उसको याद करना बहुत डिफिकल्ट था। तो कार्बन, फिर हम लोगों ने हाइड्रोजन को हटाया, फिर हाइड्रोजन को हटाने के बाद फिर हमने देखा कि नहीं ऑक्सीजन अबंडेंट एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने कैलकुलेशन करना शुरू किया। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया तो वहां से भी क्या आने लगा बेटा, P/Q आउटपुट देने लगा। तो वो फिर से दिक्कत स्टार्ट होने लगी कि यार कैसे करेंगे इसको, याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज देखी कि नहीं हम उस चीज को कार्बन के साथ मैनिपुलेट करेंगे।
तो कार्बन का क्या है एटॉमिक मास कितना बेटा 12। तो हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हम लोगों ने क्या बोला एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मास होगा वो क्या होगा एक कार्बन के पार्ट के 1/12 के बराबर होगा। मतलब 1 = 1, ये 12 से 12 कैंसिल तो 1 out of 1। तो हमने ये जस्ट अज्यूम किया। तो मतलब हमारे पास पहले कोई मास स्पेक्ट्रोमीटर नहीं थे जिससे हम एनालिटिकल वे की जगह पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में आपका आउटपुट दे पाए, तो उस चीज के एनालिटिकल टर्म्स में हमने ये कैलकुलेशन किया। इसलिए जो मोल कॉन्सेप्ट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। तो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू 1 atomic mass किसके बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो हमने इस चीज का जब यूज किया तो हमारे पास जो भी वैल्यूज थी वो वैल्यूज क्या आने लगी वो रैशनल फॉर्म में ना आके या फिर P/Q के फॉर्म में ना आके डायरेक्ट डबल या फिर डबल प्लस वन आने लगी। चेक करो जरा कुछ एलिमेंट्स में आपके सामने रखता हूं, जैसे मैग्नीशियम है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकन है ना। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 14। यहां पे चेक करो अगर कोई नंबर इवन नंबर शो कर रहा है, ठीक है, इवन नंबर जहां पे शो कर रहा है तो उसका मास क्या हो जाएगा उसका जस्ट डबल। हम लोगों ने क्या किया उसके मास को क्या कर दिया डबल कर दिया, ठीक है। यहां पे चेक करो 13 उसके मास को मैंने क्या कर दिया डबल प्लस वन कर दिया, मतलब 27। तो यहां पे जो वैल्यू आने लगी वो कैसी वैल्यू है डबल प्लस वन। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा मोल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है, कहां तक 20th एलिमेंट मतलब कैल्शियम तक आपको एटॉमिक नंबर लर्न करना है। यहां पे चेक करो सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 14, 14 का जस्ट डबल करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 28। तो कैलकुलेशन के लिए इजी हो गया, जहां पे भी इवन नंबर आपको दिखाई दे तो आप क्या करो उसका डबल कर दो, जहां पे आपको ऑड नंबर दिखाई दे डबल प्लस वन कर दो। बट यहां पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है नाइट्रोजन के केस में और बेरिलियम के केस में। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 4, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो यहां पे ये ऑड है ये इवन है, बट यहां पे क्या होता है इनके केस में रिवर्स सिस्टम है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा इवन के केस ऑड के केस में इवन फॉर्म करना पड़ेगा, तो 7 का करेंगे डबल और 4 नंबर क्या बेटा इवन नंबर है बट इसका यहाँ पे केस कौन सा चला जाएगा ऑड नंबर। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है इस केस के लिए ताकि आप लोगों को याद करने में इजी हो। हम क्योंकि सीख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से, तो आसानी से सीखने के लिए हमें थोड़े थोड़े ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे। और बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, हमें एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम क्रैक करना है तो हमारे पास ट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर कर पाओ। चेक करो जरा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4, तो 4 का डबल करेंगे तो कितना आता 8, बट यहाँ पे क्या रहा है डबल प्लस 1 क्योंकि केस कौन सा इधर ऑड वाला, इवन वाले केस में जस्ट डबल करना है ऑड वाले केस में डबल प्लस 1 करना है। तो यहां से आपको एटॉमिक मास याद करने में बहुत इजी होगा, आपको क्या याद करना है सिर्फ 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर्स को लर्न करना है। चलिए थोड़ा सा आगे बेटा, तो बेसिक टर्म्स में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर देखा एटॉमिक मास देखा, अब यहां पे जो भी इसका मास आ रहा है लेट अस कंसीडर मेरे पास हीलियम। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो अगर मैं 2 को डबल करूं इवन नंबर है तो 4, तो इसका यूनिट क्या होगी बेटा 4 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब इस 4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब ये जो 4 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4 हमने रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2 प्रोटॉन्स का रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर लूं तो इन दोनों का डिफरेंस से मुझे क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा आगे कैलकुलेशन सॉल्व करने में। ये प्रोटॉन जो यहां पे निकाला है यहां पे एक और लाइन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना बैलेंस, तो मतलब बैलेंस क्या करता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने तराजू देखा होगा, तराजू समझते ना बेटा बैलेंस, तो वो क्या होगा पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ को क्या करना होता है बराबर करना होता है। तो ये भी क्या हो रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीजें हमें याद रखना है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इन दोनों वैल्यूज का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो मुझे क्या मिल जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम बात कर रहे थे इस यूनिट का 4 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब ये जो 4 जो वेट आया है वेट मतलब इसका मास जो निकला एटॉमिक मास यूनिट क्या है बेटा इसका एटॉमिक मास है। क्या है बेटा ये एटॉमिक मास। तो ये जो एटॉमिक मास आया है ये कहां से आया, ये प्रोटॉन की वजन से और न्यूट्रॉन के वजन से कैलकुलेट होकर हमें एक यूनिट मिला 4 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मैंने आपको बोला था ना शॉप में हम लोग गए, शॉप में हम लोग जाने के बाद क्या किया हमको 50,000 यूनिट ऑफ चावल दे दो। बेटा जो चावल नहीं देगा वो चप्पल देगा, तो चप्पल देगा तो आपके सर पे बजा देगा उसको और बोलेगा भाग इधर से, तो वो नहीं करना है बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया उसको स्टैंडर्डाइज किया, मतलब स्टैंडर्डाइज क्या किया इस एटॉमिक मास यूनिट को उसने कन्वर्ट किया किसके अंदर ग्राम्स के अंदर। चलो वो देखते हैं कैसे करते हैं। आगे चेक करते हैं जरा थोड़ा सा। हम लोगों ने दो चीज देखा,
एटॉमिक मास के बारे में चेक किया और एटॉमिक नंबर के बारे में चेक किया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एटॉमिक मास है हमारे पास उसको हम दो चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एटॉमिक मास को अब हमारे पास एक यूनिट आ गई थी एटॉमिक मास यूनिट एएमयू की टर्म्स में। अब ये एएमयू कोई एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, वो क्या बोल दिया इसका वजन इसका वजन। मतलब जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, आपका वजन 56 किलोग्राम होगा, 60 किलोग्राम होगा, 70 किलोग्राम होगा। हम ये तो नहीं बोलते कि आपका हार्ट का, किडनी का, मतलब किडनी का, लंग्स का, लीवर का, उसका वजन अलग अलग एटॉमिक मास यूनिट में है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। 56 एटॉमिक मास यूनिट मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो जो एटॉमिक फॉर्म में, मतलब आपका किडनी, आपके लंग्स, आपका लीवर, उन सबका वजन अलग अलग कैलकुलेट करके आपको जोड़ के दे दे के लो पकड़ो, है ना। बट आपने पूरी बॉडी का होल मास कैलकुलेट किया ना बेटा, और ग्रेविटी को वो अपोज कर रहा है, वो फोर्स निकाला आप लोगों ने। तो एटॉमिक मास यूनिट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, या तो ग्राम्स में कन्वर्ट करो या तो केजी में कन्वर्ट करो। मतलब एक स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट के अंदर हम लोगों ने कन्वर्जन किया कि ग्राम में यूज करो या तो फिर किलोग्राम में यूज करो। ठीक, हमने यहाँ पे ये चीज सीखा। तो एटॉमिक मास यूनिट किस में आया, एएमयू में। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल का यहाँ पे कन्वर्जन हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। मैं फुल फॉर्म लिख देता बेटा इस चीज का, इसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, एटॉमिक मास की जगह अगर हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होता, बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की डिटेल में, तो मॉलिक्यूलर मास होता। अब इस मॉलिक्यूलर मास को क्या हो गया, अब तो यहाँ पे एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी एटम थे उनको हमने ऐड करके बोल दिया, उसको बोल दिया एटॉमिक मास यूनिट। तो उसको स्टैंडर्डाइज करना था तो हमने क्या कन्वर्ट किया, ग्राम में या किलोग्राम में, तो उसको क्या बोल दिया, ग्राम एटॉमिक मास। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूल्स का ऐड करेंगे वहां पे भी क्या आएगा, एटॉमिक मास यूनिट आएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बेटा, एटम्स का कॉम्बिनेशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल बना। तो मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली होगा क्या बेटा, एटम्स ही होंगे। तो एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, एटॉमिक मास यूनिट। अब इस एटॉमिक मास यूनिट को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, या तो ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे या किलोग्राम में कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हमने क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बहुत पास पहुंच चुके हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर चेक कर लिया, एटॉमिक मास चेक कर लिया, मॉलिक्यूलर मास चेक कर लिया, और उस यूनिट को ग्राम्स और केजी में एक स्टैंडर्डाइज यूनिट के टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो हमने बेसिक बेसिक टर्म्स देख लिया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब इस चीज को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे आगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस एटॉमिक मास यूनिट में अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था वन एटॉमिक मास यूनिट, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है या केजी में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करके देखते हैं कैसा होता है। वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है बेटा, अभी आप लोगों ने लिखा था 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या लिखा था बेटा, कार्बन 12 एटम। थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया क्या फॉर्म में है, पी बाय क्यू फॉर्म में है, फिर ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया फिर से पी बाय क्यू फॉर्म में है। मतलब याद करने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, उस चीज को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ कार्बन एटम। तो वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो वजन है वो कैसे आता है, 1/12। अब यहाँ पे चेक करो, कार्बन है मेरे पास, लेट अस कंसीडर पहले कार्बन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 6 है कि नहीं। अगर 6 है तो उसको डबल कर सकते हैं तो कितना देगा बेटा, 12। एटॉमिक नंबर इवन नंबर के लिए डबल करना है, ऑड के लिए डबल प्लस करना है, सिर्फ नाइट्रोजन और बेरिलियम को छोड़ के। चेक करो देन 12। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, चेक करते बेटा एक बार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एटॉमिक मास का वैल्यू क्या होती है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे चेक करो, जो ये प्रोटॉन्स है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 6। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6। अभी थोड़ी पहले मैंने आपको बताया था प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के, मतलब बैलेंस करना है आपको, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे भी क्या देगा, 6। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर सकते हैं, मतलब इन दोनों का मैंने क्या ले लिया, डिफरेंस। चेक करो, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन 6। यहां तक क्लियर हुआ बेटा, चलिए थोड़ा आगे। अब यहाँ पे चेक करो, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने आ गए, सब 6 आ गए। ठीक है, अब आप लोग मुझे बात बताओ कि अगर आपकी बॉडी का वेट किया जाए तो उसमें से मैं क्या किडनी निकाल के अलग रख सकता हूं,
या फिर आपका हार्ट निकाल के बाहर रख दू, या फिर आपके पैर खोल के स्क्रू नट की तरह बाहर निकाल दू, तो मतलब यहाँ पे कार्बन आइटम तो पूरा का पूरा वजन कैलकुलेट होगा, है ना। अब पूरा का पूरा वजन कैलकुलेट होगा तो उसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, उसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। चेक करते हैं, तो 1/12 लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमें एन के बारे में पता है, कितने एन थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन थे। एन नंबर ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं एन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन टाइप ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन सब के सम की वजह से, मतलब हमने पूरे एटम को कैलकुलेट किया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लेक्ट नहीं किया, अभी देखेंगे आगे जाके कैसे नेग्लेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं। तो हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन, तो लिख सकते हैं 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहां तक लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, 6 को कॉमन ले लेते, 6 को अगर मैं यहां से कॉमन ले लू तो लिख सकते हैं 1/12 इंटू 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, लिख सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो 1/2, यहां पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। आप लोगों ने हाथी और चींटी की कहानी सुनी है, चलो देखते हैं उस चीज। अब यहां पे चेक करो, अब हम तीनों का मास लिखेंगे जो हमें प्री डिफाइंड हमें वैल्यूज मिली हुई है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो हमें प्री डिफाइंड है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है बेटा, 9.31 × 10⁻²⁷ ग्राम्स, ग्राम की टर्म्स में निकाल रहे हैं बेटा, ऐसा यूनिट जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात किया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटोन वो कितना होगा, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, मास ऑफ प्रोटॉन हो चुका है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी निकलेगा, वो कितना होगा, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। चेक करो जरा, 10⁻²⁷, 10⁻²⁴ कौन बड़ा है इसमें से, −24 बड़ा है। अब यहाँ पे चेक करो, इसके कंपैरिजन में ये 1000 वैल्यू कम है, मतलब अगर मान लो कि मैं हाथी का वजन कैलकुलेट करूं और एक चींटी का वजन कैलकुलेट करूं तो किसका वजन ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली बात है कि हाथी का आएगा। तो हाथी का वजन ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है कि हम हाथी के रिस्पेक्ट में चींटी का वजन क्या कर देंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। यहां से एक और थ्योरी आती है, वो चेक कर देते हैं। ये न्यूक्लियस है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का जो वजन है ना, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का क्या है, नेगेटिव चार्ज। कुछ कुछ क्वेश्चन ये बोलते हैं कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं आ सकते। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में आएंगे तो बम्बार्डमेंट हो जाएगा, है ना, जैसे घर के सर्किट में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तार ऐसे घुसाओ तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब जब शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो मतलब बम्बार्डमेंट हो जाएगी, तो इस बम्बार्डमेंट को रिमूव करने के लिए हमने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया तो उसकी जो स्पीड ऑफ, मतलब जिस स्पीड से वो घूम रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रॉन आउटर शेल्स में घूम रहे, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेगा, कितना, 3 × 10⁻¹⁵ ms, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज घूमने लगेगा और हीट एनर्जी इतनी प्रोड्यूस करेगा कि बम्बार्डमेंट हो जाएगा और ये हमारा जो भी एटॉमिक फॉर्म है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिसाइड नहीं हो सकता। और हम यहां से भी प्रूव कर रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है और इसका मास बहुत ही कम है। अगर ये हाथी है तो ये चींटी है, है ना। अगर हाथी का वजन 1000 ग्राम आ रहा है तो इसका 0.001 ग्राम आएगा, क्योंकि ये क्या है, 10⁻²⁷, ये कितना है, 10⁻²⁴। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। आगे चले थोड़ा सा, यहां तक समझ में आया बेटा, चले थोड़ा सा आगे। अब हम लोगों ने वैल्यूज लिख लिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू अभी मैंने जब लिखी थी तो वहां पे दोनों की वैल्यू सेम लिखी थी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 1.67 × 10⁻²⁴ प्लस 1.67 × 10⁻²⁴। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको रब कर देते हैं ऊपर से क्योंकि तुझमें क्या दिखता है बेटा, रब दिखता है। चले आगे, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2
इंटू टू कॉमन ले ले क्योंकि टू टाइम्स हो जाएगा 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24। तो ये वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आने जा रही है आपकी किसमें, ग्राम्स में आने वाली है। तो वन एटॉमिक मास यूनिट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसको, एक एटॉमिक मास यूनिट में। अब हम शॉपकीपर के पास जाएंगे, अब शॉपकीपर को क्या बोलेंगे कि अब भी हमको चावल दे, 50 किलो चावल दे, 10 किलो चावल दे, या 50 किलो दे, 10 किलो दे, 20 किलो दे, 50 किलो, जो भी लेने का। तो उस चीज से हम लोग यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ चुके। अब वो आपके ऊपर चप्पल नहीं फेंकेगा, चप्पल क्यों नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेशन क्या हो गई, इजी हो गई। अभी आपको दिखा गया कि कैलकुलेशन कैसे इजी हो रही है। चले अब यहाँ पे चलते थोड़ा सा आगे, अब यहाँ पे चेक करो जरा, अब आपका यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो डेवलप होने लगेगा मोल्स के टर्म्स में। चेक करो जरा, वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, यहाँ पे चेक करो, वन मोल, ठीक है, वन मोल। अब ये वर्ड मोल कहां से आया बेटा, ये पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है, मोल कहां से है, मोल का जो मतलब, मोल जब स्टार्ट हुआ वो किसने स्टार्ट किया बेटा, ऑसवर्ल्ड एक साइंटिस्ट है, 1896 में इन्होंने स्टार्ट किया। वैसे इसका जो मेन यूज होने लगा वो 1900 के बाद स्टार्ट हुआ। तो मेन इंपॉर्टेंस क्या बेटा मोल का, मोल का वर्ड का मतलब क्या होता है, कूड़े का ढेर, मतलब इकट्ठा हुई चीज। इकट्ठा हुई चीज का मतलब क्या हुआ बेटा, पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे तो मतलब बोल सकते हैं कि एक मोल के अंदर इतने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई तो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे। और इसको हम एक और नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस नाम को बोल देते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एवोगैड्रो नंबर मिल जाएगा। और ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, इसी को क्या बोल देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। देखो अब जरा, अब हम लोग चावल खरीदने गए थे उसके पास, तो चावल हम लोगों ने खरीदे 50 किलो चावल दे दे, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था 50 या फिर 50,000 यूनिट्स ऑफ चावल दे दे या फिर 50,000 एटॉमिक मास यूनिट दे दे। तो वो एटॉमिक मास यूनिट किसकी थी बेटा, एक एक पार्टिकल्स की। अब हमें पता है कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, मैक्सिमम इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। चलो इसका यूज करके देखते हैं कैसे यूज करना है इसका, ठीक है, आगे चलते। अब यहाँ पे चेक करो जरा, हमारे पास हीलियम एटम, लेट अस कंसीडर हमारे पास हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, फिर दोबारा से 2 है, 2 का इवन है, इवन का क्या करेंगे, डबल कर देंगे बेटा, क्या देगा वैल्यू 4। अब हमारे पास क्या गया, उसका एटॉमिक मास आ गया, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 4 एटॉमिक मास यूनिट। अभी भी वो चप्पल मार सकता है आपको शॉपकीपर, अब क्या करना है उसको, उसको बोलना है कि नहीं मैंने इसको कंसिडर कर लिया किसमें, स्टैंडर्ड इनपुट्स में लेके आऊ मैं, स्टैंडर्ड हमने क्या कर दिया इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोल देंगे उसको, 4 एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे किस में कन्वर्ट करना है इसको, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। बट एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, करके देखते हैं बेटा कैसे होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी थी बेटा, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। कर सकते हैं, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट में इतना ग्राम वजन होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे कैसा आ गया, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। बट अभी भी हमारे पास क्या हुआ, मोल का यूज ही नहीं किया हम लोगों ने, आगे मोल का यूज कैसे करने वाले, कि ये तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, अभी तो खत्म हो जाना चाहिए था, ये ग्राम्स में आ चुका है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, हमने उनके पार्टिकल्स के बारे में नहीं सोचा, मतलब हमने अपने बारे में सोचा बट दूसरे के बारे में नहीं सोचा। अभी दूसरे के बारे में सोचना है मतलब उन चावल के अंदर पार्टिकल्स भी होंगे, है ना, यूनिट्स तो हो गए बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एटम्स और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनके बारे में सोचा नहीं। तो मैक्सिमम कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं भैया, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, ग्राम्स में। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब ये जो वैल्यू जनरेट हुई अभी देखना है यहाँ पे जादू होने वाला है। यहाँ पे चेक करो, 4 इंटू 1.67 इंटू 6.0 22 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, बेस सेम, पावर ऐड कर देंगे, मतलब पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24 प्लस 23। तो यहाँ पे वैल्यू आई, मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे कितना रहा, 10.005 आ गया, और इतना कितना रहा, 10 रेज़ टू द पावर -1। अब इस डेसिमल प्लेस को हम आगे मूव कर सकते हैं, अब डेसिमल प्लेस को जैसे ही मैं आगे मूव करूंगा तो यहाँ पे जैसे मूव करने वाला हूं मैं, तो वो वैल्यू जो मूव होगी वो कैसे होगी, चेक करो जरा, 4 के आगे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1.0005, ये किसमें कन्वर्ट हो चुका, ग्राम्स में कन्वर्ट हो चुका। अब ये चीज चेक करो बेटा, ये वैल्यू कितनी छोटी हो गई, मतलब हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, किसके बराबर मान लेंगे इसको, अप्रोक्सीमेटली 1। तो मतलब हमें आउटपुट में क्या लिखना है, 4 इंटू 1, क्या आ गया आपका आंसर, 4 ग्राम आ गया। तो 4 ग्राम आ गया, मतलब हमारे पास आउटपुट कैसा दिख रहा है आपको,
ये कन्वर्ट हो चुका है आप किस में, आपके एटॉमिक मास यूनिट से किस में कन्वर्ट हो गया, उसके स्टैंडर्ड यूनिट में किस में बेटा, ग्राम्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको आउटपुट क्या मिल गया बेटा, 4 ग्राम। मतलब ये जितना भी स्टोरी चल रही थी मोल कॉन्सेप्ट की, वो क्यों हेल्प किया। और एक और बात, हमने कार्बन का क्यों यूज किया, उसका स्टैंडर्ड यूनिट हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि ये इसमें लास्ट नाम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमने कार्बन के रिस्पेक्ट में सारे एटॉमिक नंबर्स को याद किया है बेटा। अभी समझ में आया कि कार्बन के रिस्पेक्ट में क्यों याद करते हैं, क्योंकि लास्ट में चल की जो वैल्यू है जब उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो आउटपुट में क्या है, 4 × 1 क्या आ गया बेटा, 4 ग्राम। तो आपको ये सारी चीजें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी आप आंसर निकालोगे एटॉमिक मास यूनिट में डायरेक्टली उसको क्या लिख दोगे, ग्राम्स में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 ग्राम, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो मतलब ये 1 निकालने के लिए हमें इतनी बड़ी स्टोरी पढ़नी पड़ी, और हम लोगों ने अब जाके शॉपकीपर को क्या बोल दिया कि भैया हमको 50 किलो चावल दे दे चुपचाप से, ला मेरे को दे, मैं उठा के घर लेके जाऊंगा। बात समझ में आया, ना तुझे गिनने की जरूरत है ना मुझे गिनने की जरूरत है, मुझे पता है 50 किलो चावल है तो इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मुझे पहले से ही पता है। बात समझ में आया, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। बात समझे, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो बात हुई हमारे एटम्स की, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, है ना, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं आज हम लोग, कुछ नया सीखते हैं इसके अंदर कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा, पहली बात समझ लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है बेटा। क्या बोल सकते हैं, द रिलेटिव सम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होंगे अगर उनका हम रिलेटिव सम ले ले तो उसी को क्या बोल देंगे, हम मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत हम पीते हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O, है ना, वाटर मॉलिक्यूल हम रोज पीते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के एटम कुछ रहे होंगे और कुछ एटम किसके रहे होंगे, ऑक्सीजन के। अब इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो ये मॉलिक्यूल जो मिला H2 मॉलिक्यूल, उसका मैं क्या निकाल सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास। किस में निकालूंगा, एटॉमिक मास यूनिट में। अगर उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा बेटा, ग्राम्स में। समझ में आया क्या निकाला हम लोगों ने, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो कैलकुलेट करते हैं, यहां पे चेक करो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, चेक करो जरा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 1, क्योंकि इसके अंदर 1 1 क्यों है, 1 1 इसलिए बेटा कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। आगे चेक करते हैं, H2 है हमारे पास, तो लिख सकते हैं 2 × 1, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन में कितने एटम थे, 2, और दोनों का मास क्या रहा होगा, 1 1, तो इसलिए लिखा लिख दिया 2 × 1। अब मैंने क्या बोला, रिलेटिव सम, मतलब क्या करना है, एड करना है किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8। अब यहाँ पे चेक करो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, एटॉमिक नंबर 8 है बट मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, इसका डबल कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, डबल। जैसे ही मैं डबल करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, 16। तो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन कितने मिल गए आपने, 16 मिल गए। चेक करो जरा, हाइड्रोजन कितना है, 2 × 1 मतलब 2, और यहाँ पे कितना वैल्यू है, 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 18। अब यहाँ पे क्या मिल गया, 18 AMU, तो 18 AMU मिल चुका है। अब 18 एटॉमिक मास यूनिट मिला हम लोग को, तो एटॉमिक मास यूनिट कितना हमारे पास, 18। चेक करें थोड़ा सा आगे, तो एटॉमिक मास यूनिट को किस में हम कन्वर्ट कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा, 18 ग्राम्स में। तो 18 ग्राम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये हमने बेसिक कोई क्वेश्चन देखा जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया। अब मॉलिक्यूलर मास का सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लोगों ने करके देखा, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ काम कर लिया, अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ जो सेकंड पार्ट आने वाला है हमारे पास, अब वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो सेकंड पार्ट अगर हम मान लें कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो जरा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कार्बन का पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, सिंपल है ना। मैंने आपको बोला 1 से 20 तक याद रहेंगे तो सिंपल रहेगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 20, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा, 40, डबल हो गया, इवन नंबर। कार्बन 6 12, ऑक्सीजन कितना बेटा, 8 और 16, तो हमें इन नंबरों से मतलब, तो ये कितने टाइम्स है बेटा, 40 एक ही बार है, तो 40 प्लस कार्बन कितने बार है, 12 एक ही बार है, तो 12 लिख दे डायरेक्ट। यहां पे चेक करो ऑक्सीजन में कितना वैल्यू है, 16 कितनी बार है, 3 times, 40 + 12 + 48, तो हमें यहां से क्या मिल गया, 40 + 12 + 48, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा,
इन सब का समेशन कर देंगे हम लोग, तो समेशन करने से कितना मिल रहा है, 100 मिलेगा। 100 मिलेगा मतलब क्या मिलेगा, 100 एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा। एटॉमिक मास यूनिट क्यों बोल रहे हैं कि हर एक एटम का, कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, इन सब का बदला कौन लेगा रे, फैजल लेगा बेटा। फैजल कौन है इधर, मॉलिक्यूलर मास। तो 100 एटॉमिक मास यूनिट मिल गया आपको आउटपुट में, तो 100 एटॉमिक मास यूनिट मिला, बट हमें यूनिट किसमें चाहिए, आपके पास चप्पल मारेगा ना, तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायरेक्ट करके देखा, तो 100 × 1 कितना आ जाएगा, 100 ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा, तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाला, किस टर्म में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। अगर कोई सिंगुलर आइटम है, जैसे हीलियम के लिए निकाला था, वो हमने क्या निकाला था, ग्राम एटॉमिक मास। ये हम लोगों ने क्या निकाला, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब सिंपल है, अगर आप लोग को एटॉमिक नंबर याद है, अगर इवन नंबर है तो उसका डबल कर दो, ऑड नंबर है तो डबल प्लस वन कर दो। एक और एग्जांपल करके देखें ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, दोबारा चेक करो जरा, मैग्नीशियम कितना एटॉमिक नंबर, 12, इवन नंबर है डबल कर देंगे 24, सल्फर 16 एटॉमिक नंबर इवन है डबल कर देंगे 32, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है डबल कर देंगे 16। तो हमारे पास क्या मिल गया, 24 + 32 + 16 × 4, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 24 + 32 + 64। ये अपना सम कर देंगे इसको वैल्यू को, कितना आएगा, 120 ग्राम्स, है ना। पर यहाँ पे ग्राम्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमें किसमें मिल गया, एटॉमिक मास यूनिट में। आप इसको क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा नहीं मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास में चाहिए, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या करेंगे, इंटू वन से, तो 120 × 1 क्या देगा आपका वैल्यू, 120 ग्राम्स, क्या देगा बेटा, 120 ग्राम्स। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और बेसिक टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई। अब चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट की तरफ, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या और उसका डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें मोल कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेक किया था थोड़ी देर पहले, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स। ये वैल्यूज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको हम किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए, और एन ए यहाँ पे क्या होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर तो मिल गया अपने को, एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे चेक करो जरा, मैं आपको बोलता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा ना, 1 डजन, है ना, एक डजन में कितने वैल्यू होती है बेटा, सबको बोलेंगे बेटा 12 केले मिलते हैं, एक डजन मतलब केले लेने जाते हैं हम लोग। तो जब हम केला खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 डजन = 12 पीसेस। किसने रिकमेंड किया भैया, कौन है इसका रिकमेंडेशन, किसने इसको बनाया कि नहीं भैया एक डजन में 12 पीस होने चाहिए। तो ये जो बनाया गया वो थोड़ा सा कंसेप्ट उसके पीछे क्या है बेटा, कि हमारे पूरे कैलेंडर के अंदर 12 महीने होते हैं। सन अपने पास, ये मून के फेसेस कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। घड़ी में मैक्सिमम कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ 12 12 12 दिख रही थी, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, 1 डजन = 12 पीस। और हमने कार्बन का एटम भी क्या लिया बेटा, 12 लिया, तो 12 से 12 कैंसिल आउट करके 1 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारे पास जो एटॉमिक मास आए वो क्या वैल्यू आए, सिंगुलर वैल्यू आए, पी बाय क्यू के फॉर्म में ना आए। तो यहाँ पे चेक करो, एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चले, तो एक मोल का वैल्यू मिल गया। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा देखो उसको, कि मोल जो है हम दो टर्म्स में निकाल सकते हैं, या तो लिक्विड फेज में निकाल, या सॉरी गैसियस फेज में निकाल सकते हैं, या तो गैसियस फेज में निकालेंगे, या तो हम कौन से फेज में निकालेंगे, या तो सॉलिड फेज में निकालेंगे। अगर हमारे पास लिक्विड फेज आ रहा है तो लिक्विड फेज को या तो आप सॉलिडिफाई कर दो, या तो उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट कर दो, या तो उसको हीट कर दो, या तो उसको ठंडा कर दो, ठंडा ठंडा कूल कूल कर दो। जैसे वो कूल कूल होगा सॉलिड फेज में जाएगा, अगर गरम गरम हो जाएगा तो किस फेज में आ जाएगा, वो गैसियस फेज में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं थोड़ा इससे। तो अब हमारे पास इस मोल को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक 4 फॉर्मूले हैं, जो मैंने उसको एक अलग यूनिक तरीके से बताया, आप लोग उसको जरा ध्यान से चेक करो। यहाँ पे लिख सकते हैं बीच में मोल, ठीक है। अब मोल के साथ साथ दो इनपुट है हमारे पास, या तो मैं कैलकुलेट करूं ग्राम एटॉमिक मास, या तो मैं कैलकुलेट करूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं n = given mass / mass। ये W हमें रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, गिवन मास को, और ये छोटा वाला जो नीचे वाला m जो है, ये वाला हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास को, जो कि या तो एटम का हो सकता है। यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो एटम के लिए वैल्यू निकाल लिया, gmm लिख रहे हैं तो किसी मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो पर फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। और ये स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ये वाला कौन सा होगा गिवन मास, ये वाला कौन सा होगा मॉलिक्यूलर मास, किस टर्म में होगा,
ग्राम्स के टर्म में। ये वाला मॉलिक्यूलर किस टर्म में होगा? ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में होगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए, आप लोगों को ध्यान रखना है दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के दिखाओ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। किसकी वैल्यू आएगी? एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाली वैल्यू हो गई। ये तीनों फेजेस, ये जो तीनों वैल्यूज निकाली, ये तीनों किस फेज में निकाला बेटा? सॉलिड फेज में। किस फेज में? सॉलिड फेज में। एक पार्ट खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा गैसियस फेज की तरफ। ये वाला जो गैसियस फेज है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो क्वेश्चन भी करेंगे हम थोड़ी देर बाद में। तो गैसियस फेज चेक करो जरा, गैसियस फेज कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चेक करो। एन इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ नोटिस किया कि यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं करना है, तो यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूलर का मास निकलना बेटा उसमें लीटर्स की फॉर्म में निकलना है। कौन सा फेज है? गैसियस फेज। तो n इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या तो एसटीपी पे होना चाहिए या तो किस पे होना चाहिए? एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर। तो ये वाली जो वैल्यूज है, ये सारा फॉर्मुलेस आप लोग नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर दो और ये सारी चीजें फॉर्मुलेस नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है। कभी भी मोल कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करने को आएगा तो आपको ये चारों वैल्यूज पता होनी चाहिए। चले आगे, आगे चलते। अब हमारे पास तो हमने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लिया, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया, एटॉमिक मास यूनिट निकालना देखा, एटॉमिक मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना सीखा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें सीख ली। अब यहाँ पे आप लोग ट्रिक सीखो एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा ध्यान से देखना है। ट्रिक कैसे निकालेंगे हम लोग? अब हमारे पास क्या कैलकुलेशन, सबसे पहले कैलकुलेशन आएगा मोल निकालो, ठीक है, उसके बाद बोलेगा नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। क्या निकालेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। उसके बाद बोलेगा नहीं नंबर ऑफ एटम्स निकालो, ठीक है। उसके बाद बोलेगा नहीं नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालो, इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दिखाओ, प्रोटॉन्स निकाल के दिखाओ, न्यूट्रॉन्स निकाल के दिखाओ। उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरेगा, वो बोलेगा नहीं अब आगे निकाल के दिखाओ चार्ज। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी के अंदर कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पूछ लेगा, प्रोटॉन निकालने के लिए पूछ लेगा, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए। ज्यादातर न्यूट्रॉन पूछेगा क्योंकि क्या होता है बेटा, सॉरी ज्यादातर अपने से क्या पूछ लेगा, प्रोटॉन्स के बारे में पूछेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको बोल देगा कि एल्यूमिनियम 3+ है, प्रोटॉन्स निकाल के बताओ, तो प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे बेटा बट इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आएगा, ये थोड़ा सा चीजें देखना रहेगा। तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया जाता है? आईआईटी जेई में पूछ लेते हैं, या तो नीट में पूछ लेते हैं, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि ये वाली वैल्यूज बहुत सिंपल है, सीईटी वगैरह में पूछ लेगा आपसे, ओलंपियाड वगैरह में पूछ लेगा। 8th, 9th, 10th वाले बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, तो ये ओलंपियाड वगैरह में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आईआईटी जेई में, और अगर इससे भी आगे जाएगा तो वो जेई में आएगा, या तो आपसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछेगा, या तो आपसे आयंस भी निकलवा सकता है कि कितने आयंस होंगे उसके अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चले, तो ये आपके पास ट्रिक है। ट्रिक मतलब ये क्यों ट्रिक मैंने बताया कि पहले मोल निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो, एटम्स निकालो, करना कुछ नहीं है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे मैं आपको बोलूं 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम एटम कैलकुलेट मोल, मतलब आप मोल निकाल के बताओ, मोल का फॉर्मूला क्या होगा? एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। हाँ, हीलियम एटम जो है वो गैसियस फेज है, बट है किसमें? ग्राम्स में दे रखा है। अगर लीटर में दे रखा हो तो दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, बट ये देख इसमें रखा है ग्राम्स में। तो गिवन मास कितना बेटा? 52। मॉलिक्यूलर मास कितना हमारे पास? चेक करो जरा, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है हीलियम का? हीलियम मुझे पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2। डबल करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो कितना मिलेगा बेटा? 4। और 4 AMU मिलेगा, बट हमें चाहिए नहीं चाहिए, मॉलिक्यूलर मास किस फॉर्म में? ग्राम एटॉमिक मास में। तो यहां से वैल्यू कितना मिलेगा? 4 × 1 कर देंगे, क्या देगा? 4। यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 4, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो N का वैल्यू कितना मिल गया? 13 मोल। मतलब 52 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे? 13 मोल होंगे। किसके? हीलियम एटम के। बात समझ में आया हीलियम एटम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? चले आगे, कुछ आईआईटी जेई के क्वेश्चंस भी लेंगे इसके अंदर, बट पहले हम बेसिक चीजें सीख ले कि हमें मोल निकालना आ गया। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे कि आप निकालो मॉलिक्यूल्स, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट एटम्स इन 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपको मॉलिक्यूल्स याद रखने हैं जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला रहेगा किसका? H2SO4 का, 98 ग्राम में रखा है, हमें बोलता है एटम निकालना, मतलब हमें यहां तक पहुंचना है। पहला स्टेप क्या होगा मोल निकालने के लिए?
एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 98, बट अब हम यहाँ पे फंस गए। ये जो m है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं m जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमें तो मॉलिक्यूलर मास पता ही नहीं है 204 का। तो ये बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा कि वो कैलकुलेशन एक बार करके छोड़ देते हैं, बट उस चीज को याद भी रखो बेटा, कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चेक कर दो H2SO4 आप लोगों के लिए मैं करके दिखा रहा हूं, बट करने की जरूरत नहीं है। चेक करो जरा H2SO4 हाइड्रोजन कितना है 2 है ना, 2 टाइम है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फर 16 डबल कर दो 32, प्लस 8 का डबल कर दो 16 × 4, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 98 ही आएगा। 98 किस फॉर्म में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट, इसको कन्वर्ट कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें आएगा 98 ग्राम्स में आएगा, मतलब किस में कन्वर्ट हो चुका है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो हमने पीछे डेरिवेशन किया था उससे याद आया आप लोगों को। तो यहाँ हमें H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास भी मिल गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया कितना गया एन का वैल्यू 1 आ गया, मतलब एन का वैल्यू किस टर्म में आ गया 1 मोल। बट हमसे मोल नहीं पूछा, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया मोल निकाल लिया, सेकंड स्टेप क्या पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना, ठीक है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना, तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 × mu, इसको लिख सकते हैं 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं ना बेटा, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास। बट हमसे क्या पूछा था, मॉलिक्यूल्स निकल चुके हैं, हमसे पूछा था नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे बेटा जितनी उसकी एटॉमिसिटी है, क्या एटॉमिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा लिख लेना इसको अलग से, एटॉमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मुझे एटॉमिसिटी पता है किसी भी चीज की तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ एटॉमिसिटी कितनी बेटा, हमारे पास कंपाउंड था H2SO4, एटॉमिसिटी का मतलब हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, तो 4, 5, 6, 7, तो टोटल एटॉमिसिटी या फिर टोटल एटम कितने हुए 7 हुए, 4, 5, 4, 5, 6, 7, हमने क्या वैल्यू लिख लिया 7, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल चुके कितना 6.022 × 10⁻³ एटम्स, ये वाली टर्म्स किसमें आ गई एटम्स में, तो इसको क्या लिख देंगे 7Na, Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगाड्रो नंबर, तो इतने एटम्स हमारे पास आउटपुट में मिलेंगे आपको, कितने एटम मिल गए बेटा 7 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर, तो इतने एटम्स हमें किसमें मिल गए बेटा आउटपुट पे मिल गए। चले थोड़ा आगे और कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आप लोगों को आज कराना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक में चोरी करेंगे, बैंक में चोरी करेंगे मतलब बैंक में कितने कॉइन्स है वो देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ है आईआईटी का क्वेश्चन है। चलो उससे पहले एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालेंगे। लेट अस कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज एक ही क्वेश्चन में कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज, क्वेश्चन अलग है बेटा थोड़ा टिपिकल होगा, ध्यान से देखो, फाइंड द चार्ज ऑफ 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम 3+, बेटा चार्ज मतलब क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना। मैंने जितना भी आपको सिखाया जितना भी ट्रिक बताया सबसे पहला काम वही करो मोल निकाल लो चुपचाप से, पहला काम मोल निकालना है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ध्यान से चेक करो 27 है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, डबल करेंगे तो 27, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है 27 / 27, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मोल। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि 1 मोल आ गया, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे फिर एटम्स निकालोगे फिर एटम्स के ऊपर ही चार्ज आएगा ना, या इलेक्ट्रॉन गया या फिर आया, तो उस चीज को हम लोग देखने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे n into एवोगाड्रो नंबर, n का वैल्यू कितना हमारे पास 1, एवोगाड्रो नंबर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 1 n, मॉलिक्यूल्स आ गया हमारे पास। अब मॉलिक्यूल्स के बाद हमें क्या निकालना है बेटा, चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखो जरा। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, फिर कैसे करते हैं 2, 8, 3, मतलब हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज लिखा हुआ 3+,
एल्यूमिनियम 3+, मतलब इसने क्या किया होगा, तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, मतलब इसके आउटर शेल से ये तीन इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, तो हमारे पास क्या चार्ज अलग होगा 3+। चलो आगे चेक करते हैं इसमें कैसे निकालना है इसको। तो हमारे पास कितना चार्ज है, थ्री, तो तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम्स की टर्म्स में बोल सकते हैं उसको, और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की टर्म में बोल सकते हैं, इंटू हमारे पास कितने एवोगैड्रो नंबर थे, 1 × Na। तो इस सब वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर देंगे, तो यहां से वैल्यू जो आपके आने वाली है क्या देगी, 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे हमारे पास, क्योंकि एटम भी सिंगल एटम है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स के आने वाले बराबर आने वाले, इसलिए हमने एटम्स नहीं निकाले क्योंकि सिंगल ही एटम है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स को तो भी 1 × 1 Na आएगा, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 × 10⁻²। तो यहाँ से हम पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 2.894 × 10⁵ कूलम। यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी चार्ज की बेटा, कूलम। तो ये आपने को याद रखना है कि कितना चार्ज निकालना है बेटा, कितना चार्ज निकालना है। अब आगे चलते हैं, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज के लिए, तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूं आप लोगों को, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक से रिलेटेड है। चलो चोरी करते होगा, मतलब मुझे नहीं करना बेटा चोरी, मैं आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बोला गया कि पूछा गया है कि कोई एक बैंक है, इन अ बैंक, ठीक है, कोई एक बैंक है, उस बैंक के अंदर देयर इज एज मेनी कॉइन, देयर इज एज मेनी एज कॉइन, एज मेनी एज कॉइन्स, ठीक है, एज मेनी एज कॉइन्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर कॉइन है, ठीक है, इन 1.6 grams of मीथेन, मतलब मीथेन का फॉर्मूला क्या बेटा, CH4, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन बैंक, मतलब कितने कॉइन होंगे उस बैंक के अंदर, ये हमें निकालना है। तो ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास क्या है, कोई बैंक है, मेनी एज मैन देर एज मैनी एज कॉइन एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे हिंट दिया गया है कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। कैसे करेंगे, मोस निकाल ले, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना दे रखा बेटा 1.6, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा बेटा 16, है ना, तो यहां से आप निकाल सकते हो 0.1, मोस निकल चुके, जहां पे मोस निकल जाए उसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या निकल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे बेटा। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एन इंटू एवोगैड्रो नंबर, एन का वैल्यू कितना हमारे पास, चेक करो जरा, 0.1, एवोगैड्रो नंबर तो आपको मालूम है 6.022 × 10⁻², तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं 0.1 N, तो ये मेरे पास क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल चुका है हमारे पास, तो ये हमने बोला था कि एज मच एज कॉइन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हम लोग आगे क्या करें इसमें कि कितने कॉइन्स आए होंगे, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं टर्म्स में, क्योंकि बोला गया था कॉइन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, तो 0.1 × 6.022 मैं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.NA, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.1 × 6.022 × 10⁻²³, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं 6.022 × 10⁻²³ कॉइन्स, ये निकाल लिया हम लोगों ने कॉइन्स। तो ये आईटी जेईई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना मैंने क्वेश्चंस किया वो सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग कोई भी बुक उठाओ, 11th का उठाओ, 12th का उठाओ, या फिर 10th का आईसीएसई का बुक उठाओ, जो भी आपको बुक उठाना है, या बेसिक 8, 9, 10 जो भी स्टूडेंट सुन रहा है इस वीडियो को, तो प्लीज अपना बेसिक क्वेश्चंस को यहां से एक बार देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने आप पूरा बेसिक के बारे में बात किया, किसके बारे में, पूरा बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हो, मोल कॉन्सेप्ट को हमने 90% सीख लिया है, इसका जल्दी हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे बेटा। बाकी जो भी यहाँ पे सुन रहा है बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस इससे भी खतरनाक होने वाले हैं, आगे जो वीडियोस आने वाले हैं वो और जो भी बहुत सारे चैप्टर्स है हमारे पास केमिस्ट्री में, उसमें और भी ज्यादा ट्रिक्स है, मतलब ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए बाय बाय।